from which portal I ordered, right? But I'll reveal after some time. So keep watching. आज basically मेरे पास है iPhone 14 Pro Max 128 GB. 128 GB मैंने क्यों लिया ये मैं बताऊंगा. और ये कलर है स्पेस ब्लैक. बेसिकली आई वॉज वॉन्टिंग डीप पर्पल बट आई कुडंट फाइंड इट फास्टर क्योंकि मैंने ये लेट नाइट ही ऑर्डर किया है ऑनलाइन और मेरे पास विद इन 12 आवर्स सरप्राइज एंड ट्रेमेंडसली मेरे पास आया ये. एंड दैट्स रियली सुपर डिलीवरी. एंड मैंने लिया कहाँ से है सर? ऑब्वियसली अमेजन. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी मिले और गुड एंड दे हैव अ गुड काइंड ऑफ डिलीवरी एट ऑल. सो फाइनली ये फोन मुझे लेना क्यों पड़ा? मैं तो 14 प्रो मैक्स लेना नहीं चाहता था. आई वॉज वेटिंग टिल सेप्टेम्बर कि 15 प्रो मैक्स मुझे चाहिए था. बट एनीवेज सो हुआ एक्चुअली मेरे साथ क्या कि मेरा जो कल मोबाइल है ये आईफोन 11 जो मैं तीन सालों से बेसिकली यूज कर रहा हूँ ये एक्चुअली इसका ना देखो आप फोन कितना सही है इसमें कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है राइट. एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. सारे बटन्स भी काम कर रहे हैं बट ये टच अचानक काम करना मेरा बंद कर दिया. सो आई वाज सरप्राइज्ड एंड वी हैव बीन टू एप्पल सर्विस सेंटर एज वेल. सो बट दे टोल्ड द फोन हैज बीन डीसेप्ट राइट. थोड़ा सा बेंड हुआ है और ये इसका टच काम नहीं कर रहा है एंड इट माइट कॉस्ट अराउंड 22-30K. सो बेटर वी थॉट ओके लेट्स बाय अनदर फोन एज वेल रादर देन एंड मे बी विल आई विल सेल इट इन OLX या मे बी कैसीफाई व्हाटएवर. नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स इट. So keep watching. So let's quickly unbox it and later on I'll say what exactly I mentioned something in this box. But yeah, this मुझे ये total 1,39,000 के आसपास पड़ा. ये पहले से थोड़ा सा slim हुआ है क्योंकि इसमें तो charger है नहीं. Let's start. So sound अगर आए तो मजा आ जाए. Yeah. Wow. This one. Wow. What a beautiful phone. ये तो स्पेस ब्लैक टाइप का दिख भी नहीं रहा. मतलब ब्लैक से काफी अलग है ये स्पेस ब्लैक से. आप देख सकते हो तो देख लो. इसलिए मैंने काफी जूम करके रखा है. ठीक है फोन की बात को थोड़ा सा तो साइड में रखेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट फोन. ये इसमें चार्जर मिला है बेसिकली. बट ये किसी काम का है नहीं बिकॉज यू हैव टू बाई इट वन एडाप्टर फॉर दिस टू गेट दिस चार्ज. वन साइड से तो इन लोगों ने दे दिया है जो पुराना वही सदियों से चला आ रहा है एप्पल का ये जैक जो इसमें लगेगा. बट ये जो USB है वो नहीं लगेगा. ये टाइप सी है तो बेसिकली वी हैव टू बाई फ्रॉम एप्पल एन एडाप्टर. तो इसमें बेसिकली है नहीं. सो और वो जो कनेक्टर है वो काम आगे काफ़ी आने वाला भी है बिकॉज वो जैक भी बन जाता है सब कुछ ऑडियो जैक है. मे बी अगर आप वायरलेस रोड वगैरह जो यूज करना चाहते हैं माइक्रोफोन दैट कैन बी यूटिलाइज परफेक्टली. सो ये मैंने इसीलिए आपको ना काफ़ी खोल कर दिखा दिया कि ये है. बस इसमें बस अडेप्टर नहीं है. लाइटनिंग केबल इन लोगों ने दिया है नो डाउट सीन. सो ये है टीम एजेक्टर जिसकी यूटिलाइजेशन अभी हम लोग बाद में करेंगे. ये हो गया डन आपका. बस कुछ वैसे कुछ खास नहीं है ये रहा. सो थैंक यू. नाउ इट्स टाइम टू गेट. अभी हम लोग इसको टियर करेंगे. सो या इट्स लुकिंग वेरी गुड. ये इसको धीरे से वाओ क्या नेचुरल फीलिंग आ रही है. अल्टीमेट नो डाउट एप्पल इज एप्पल. देर इज नो डाउट अबाउट दैट. ये इनकी जो इन लोगों ने जो ये बॉडी बनाई है ये स्टेनलेस स्टील की ही बॉडी है. और मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आईफोन 5S तक इन लोगों ने सेम टाइप का डिजाइन लास्ट फाउंड का सिंस आईफोन 6 और 6S से इन लोगों ने फिर वो लास्ट जो आईफोन 11 तक था स्लिम डिजाइन उन लोगों ने रखा.
सो आईफोन 12 से इन लोगों ने सेम इसी टाइप का डिजाइन स्टार्ट किया. ड्यूरेबिलिटी अलग हो सकती है, आई अंडरस्टैंड, बट द डिजाइन इज रिमेन सेम. मतलब मैं पुराना एप्पल यूजर रहा हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील इट. सो ये इनकी बॉडी जो है स्टेनलेस स्टील की है. और इसके बारे में जो मैं बता रहा था, ये जो सिम इजेक्टर है ये यूएस में आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज बोथ सिम यूज्ड बाय ई सिम ओनली इन द यूएस नेटवर्क एंड इन द यूएस रीजन एज वेल. बट इन इंडिया में इन लोगों ने फिजिकल सिम दिया है. सो पता नहीं कब तक देंगे, बट आई फील दैट मे बी नेक्स्ट ईयर से ये भी हटा देंगे, जैसे कि ये चार्जर वगैरह ये हटाते जा रहे हैं. सो बॉडी तो काफ़ी स्टफ है, मतलब फ़ोन बल्कि है बट्स रियली प्रिटी वेल सब कुछ. ये जो दोनों छोटे छोटे कैमरा इनका जो ये जो बेसिकली फ्लैश लाइट है ये जो मैं साइज देख रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा है. इवन इनफैक्ट लेंस अगर मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स से भी अगर बोलूँ कंपेयर करूँ तो ये भी इनका लेंस थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है. और इस फ़ोन को लेने के बाद आपको ना कोई माइक्रोफोन और वैसे एज सच की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू डू पॉडकास्ट एट ऑल. साइलेंस बटन और ये अप डाउन वॉल्यूम बटन एंड देन इट्स पावर बटन यू कैन सी. सिम इजेक्टर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है. और ये जो इनका चार्जिंग पॉइंट है इट्स रिमेन सेम, मतलब वो बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव इसमें है भी नहीं. और जैसा है इनका जो बॉटम लाइन जो भी है ना वो मतलब सेम है. अगर किसी के पास अगर आज के डेट में पड़ा होगा आईफोन 5S तो वो थोड़ा सा ना देख सकता है और सिमिलरिटी मैं देखना मतलब देख पा रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी है और स्ट्रांग तो है नो डाउट. अभी हम लोग क्विकली क्या करेंगे कि इसको ऑन करने की कोशिश करें. मीनवाइल मैं आपको ये लुक दिखा दूँ पूरा फ़ोन का, ये ऐसे. सो अपने हेलो स्टाइल में ही आ गए, नमस्ते इंडिया. तो यह हम लोगों ने कर दिया. अब मैं यहाँ इंग्लिश इंडिया सेटिंग लैंग्वेज. सो अब मैं इसको क्विकली स्टार्ट कर ले रहा हूँ अच्छी तरह से. फाइनली फ़ोन को मैंने सेट कर लिया, अपना पर्सनल सिम इसमें डाल लिया. और अब आइए इसको देखते हैं बेसिकली क्या क्या है और इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं आपको ब्रीफली बता दूं फटाफट. डिजाइन तो आप देख ही रहे हैं, दैट इज वेरी मार्वलस. कैमरा की बात हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे. सबसे पहले मैं आ जाता हूं इसका डिस्प्ले पर. सो जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, अभी ये फोन लॉक हो गया राइट, ये अभी लॉक मोड में है. इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो इस फीचर में जो इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद नहीं आया. मतलब ये क्या प्रॉब्लम क्या ना कि आपका ना वो मतलब ध्यान आपका खींच रहा है, आपका मतलब जो अटेंशन है ना वो उसकी तरफ ले जा रहा है. सो इसका एप्पल ने उपाय भी दिया है. आप बेसिकली आप इसको, हालांकि मैंने अभी लॉक कर रखा है, सो इसको आप सेटिंग में जाके और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप जाओ एंड देन गो टू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड देन हियर यू कैन जस्ट टर्न इट ऑफ. जो इसका रिफ्रेश रेट्स है वो बेसिकली 120 हर्ट्ज है, जो कि आईफोन 13 प्रो में आई बिलीव में भी 68 के आसपास आ रहा था. सो ये एक बिगेस्ट अपडेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट मैं बोलूंगा इसको, एंड दैट इज ऑसम नो डाउट अबाउट दैट. सो ये मजा आया और मतलब लग रहा है कि हाँ एप्पल ने काम किया है. और इसमें जो इन्होंने जो इसमें ब्राइटनेस दिया है 2000 निट्स का ब्राइटनेस दिया है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट आई कैन से. बिकॉज क्योंकि आप आउटडोर में जाते हो, कुछ भी सेट करते हो कुछ, और खासकर क्रिएटर के लिए तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये एक बूम साबित है. मतलब आपको ना बहुत सारे लेंसेज और कैमराज की जरूरत नहीं है. आई थिंक आईफोन 14 प्रो मैक्स इज वेरी वेरी सफिशियंट राइट. यू कैन क्रिएट गुड वीडियोज एंड यू कैन क्रिएट वट यूर एंड ऑल राइट. अब बात कर लेते हैं अगेन, अगर वो क्रिएटर की ही जब बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं सीधे इनके कैमराज के. जो इनका कैमरा है, कैमरा का तो अल्टीमेट अपना ये मैं बोलूँगा एप्पल का सबसे बड़ा अभी तक का अपडेट है, 48 मेगापिक्सल कैमरा. इन्होंने नाम भी दिया है एप्पल ने प्रो सिस्टम. इन्होंने अपने इस कैमरा का नाम ही दे दिया है प्रो सिस्टम. बाकी इस दोनों कैमरा देख रहे हैं, ये और ये दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं. और इनका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है. तो मेरा जो फेस है ये है, कहीं से कोई लाइट नहीं पड़ रहा है और कुछ स्ट्रीट लाइट है भी तो काफ़ी दूर है.
सी मतलब जो क्लैरिटी आ रही है इस प्रो मैक्स में और इस लेंस की, यही एक यूएसपी है, वन ऑफ द यूएसपी है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे ना कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी स्ट्रीट लाइट या जो भी होता है पार्क लाइट होता है ना, कुछ भी नहीं है। जो भी है पीछे कुछ दिखाई दे रहे होंगे और वो ये जो ट्रीज वगैरह से ना वो ढके हुए हैं। अब फटाफट बात कर लेते हैं इसकी डायनेमिक आइलैंड की, जो काफ़ी मतलब एप्पल ने काफ़ी इस पे मार्केटिंग की है अपनी डायनेमिक आइलैंड। इनका 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 एक तरह से यूएसपी है और सबसे सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ तो यही अपडेट है इनका, डायनेमिक आइलैंड, जो कि डिज़ाइन के माध्यम से, डिज़ाइन के मतलब प्रस्पेक्टिव से इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, बट बहुत ज़्यादा मतलब सुंदरता, मतलब जो भी है आपको एक ब्यूटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। आप देखो, अगर मैं ये साइलेंट बटन को टर्न ऑफ टर्न ऑन करूँगा, अगर आप ध्यान से देखो ये है इनका डिज़ाइन, और जो कि अल्टीमेट है, मतलब रियली काबिले तारीफ है, दैट इज़ वॉट एप्पल नोन फॉर दैट, राइट। अगर मैं आपको इसमें दूसरे, आप कुछ भी म्यूजिक वगैरह भी सुनो तो भी वहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल दे दूँ टर्न ऑफ का, यो सॉरी एप्पल वॉच खुल गया, यहाँ मैं यहाँ से दे दूँ अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, ओके, एंड देन आप देखना ये स्टार्ट, और यहाँ पर ये डायनेमिक आइलैंड का बेसिकली काम आ गया। ओ सो ये इनका एक अल्टीमेट फीचर है, नो डाउट। स्क्रीन साइज जो है इनका 6.7 है, ये अराउंड 250 ग्राम का है, जो थोड़ा सा कैरी करने में लगता है, सॉलिड लगता है, ट्रस्ट मी। मतलब मेरे पास और दो तीन फ़ोन हैं मतलब एंड्रॉयड के, वो मैं इसके बाद अगर मैं उसको पिक करता हूँ, उठाता हूँ, तो लगता है मैंने क्या उठा लिया, कुछ उठाया ही नहीं। सो गाइस, ये रहा हमारा आज का iPhone 14 Pro Max 128GB स्पेस ब्लैक का रिव्यू, और ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए इसमें क्या क्या कुछ कमियाँ रह गई आपके हिसाब से, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट यू पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस। So, आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एज वेल एज शेयर दिस चैनल सो मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंच सके ऑन डिस्ट्रीब्यूट। थैंक यू।